अंबाला के धार्मिक स्थल अब चोरों और डकैतों के निशाने पर हैं। देर रात अंबाला के गांव बो में एक महिला महंत और उसके सेवादार को बंधक बनाकर डकैतों ने डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया। अंबाला के गांव बो में देर रात हथियारबंद डकैतों ने गांव के तालाब वाले प्राचीन मंदिर में डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया। हथियारों से लैस इन नकाबपोश डकैतों ने मंदिर की बुजुर्ग महिला महंत और सेवादार को बंधक बनाकर लगभग एक घंटे तक खूब उत्पात मचाया और मंदिर से नकदी व अन्य सामान लेकर फरार हो गए। मंदिर की महंत राधागिरी जी बताती हैं कि देर रात लगभग आधा दर्जन हथियारबंद और नकाबपोश डकैत चुपचाप मंदिर में आ धमके। पहले उन्होंने खिड़की तोड़ने का प्रयास किया और फिर वो दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हो गए। राधागिरी ने बताया कि तेज धार हथियारों से लैस डकैतों ने उनकी गर्दन पर चाकू गड़ाकर उन्हें बंधक बना लिया और फिर वह मंदिर का सामान समेटने में जुट गए। इसके बाद डकैत मंदिर के गूंगे और बहरे सेवादार भोलागिरी जी के कमरे में गए और भोलागिरी को बंधक बनाकर बाथरूम में बंद कर दिया, जिसके बाद ये डकैत संदूक में रखी नकदी व अन्य सामान लेकर फुर हो गए। 2:30 बजे उन्होंने परली जाली काटी तो मुझे हुआ कि भाई कोई है बाहर, कुत्ते भी बहुत लग रहे थे उनके पीछे और वो खदेड़ रहे थे कुत्ते को। उसके बाद ये यहाँ आए और यहाँ का जो है ना सारी जाली वो मतलब बोर्ड ही उखाड़ दिया। जब नीचे गिरा तो मुझे आवाज़ आई कि आज कोई खतरा है, तो मैंने गांव में फ़ोन किया तो किसी ने नहीं उठाया। उसके बाद तो फिर अंदर ही आ गए, तो एक ने यहाँ चाकू रखा, माल निकालो। मैंने बोला मेरे को तो कुछ भी नहीं भाई, कह रहे निकलेगा, मैं कहा मेरे को तो कुछ भी नहीं है। तो एक ने चाकू रखा हुआ है, एक दरवाजे पे था, एक तलाशी करने लगा, जितना उसमें था बरस में ले गए। दूसरे ने शायद इशारा करा कि चलो बाहर निकले तो मेरे को कुंडा लगा दिया। फिर ये वाला मंदिर खोल दिया, इसमें तलाशी ली, फिर इसका दरवाजा कुंडा खींचा, जाली का ही तो लगा हुआ, फिर इसमें इसको वहीं दबोच दिया बेड पर ही। वो सोता है गूंगा है, उसको बांध बूंद के, हाथ पीछे को बांध के बाथरूम में बंद कर दिया, फिर आराम से उन्होंने तलाशी करी। जानकार बताते हैं कि इस मंदिर में पहले भी कई बार चोरी और लूट की वारदातें हो चुकी हैं। डकैती की घटना के बाद पुलिस और सीन ऑफ क्राइम की टीम ने मौके का मुआयना किया और जल्दी ही डकैतों को गिरफ्तार कर लेने का दम भरा। बताया जा रहा है कि पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे हैं, जिनके आधार पर जल्द ही पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरबान तक पहुंच जाएंगे। संभावना है कि वारदात को अंजाम देने वाले वहां के मोहल्ले से परिचित लोग हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले में अभी पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन पुलिस जल्द ही इन डकैतों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। पुलिस इस मामले को जल्दी ही सुलझा लेने की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में अंबाला पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। ये रात को अर्ली मॉर्निंग बता रहे हैं, 3-4 बजे कुछ लोग आए, और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में SHO ने बताया है कि वो वहीं कहीं आसपास के थे, क्योंकि वो जो वहाँ पे एक आदमी था उसको उस जो लेडी से पूछा कि वो कहाँ पे है तो उसका नाम लेके पूछा, और बाकी एक जो पहले वहाँ पे एक और कोई लेडी और रहती थी उसके बारे में भी पूछा, तो इससे लगता है कि शायद ये लड़के कहीं आसपास के ही हैं। देखते हैं, अभी SHO इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और जो भी उनसे विक्टिम है उनसे पूछताछ करेंगे, तो अगर जो भी कुछ हुलिया मिलेगा डिटेल्स उस हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन करते हैं।